Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. Shukriya, dhanyavaad. Kripya virajman ho jaiye. Dhanyavaad, aapki mohabbat ke liye. ये आप दिल से करते हो कोई कहता है आपको अपने दिल से करते हो आई लव यू ऑल शुक्रिया अर्चना जी यू आर लुकिंग सो हैंडसम सो ब्यूटीफुल आई मीन बोथ कॉम्प्लीमेंट दे वो भी ठीक तरीके से आप बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हैं थैंक यू कसम से और जब स्पॉन्सर्ड कपड़े और गहने पहनती इतनी प्यारी लगती हैं आप आप तो जानती हैं दुनिया में इंसान कुछ ले ना ले बदला जरूर लेता है हाँ. है ना और चोट खाया हुआ आदमी उससे और डर लगता रहता है कि वो कहीं आ ना जाए आपको कभी ऐसा लगता है कि मेरी वजह से किसी को चोट पहुंची हो तो वो कहीं आ ना जाए सुना है आने वाला है वो आप तो ना अपने बेडरूम में भी सेफ नहीं हो पता है क्यों क्योंकि जिसने बदला लेना है वो उधर ही सोता है आपके साथ अरे क्लैरिफाई कर दे किसका नाम आपके पति और कौन हाँ. और मतलब तू बदले की बात कर रहा था फिर कुर्सी की तरफ देख रहा था मैंने सोचा नाम से कोई एक आदमी थोड़ी है जिसने आपसे बदला लेना है बॉलीवुड देख लो आप लगभग हर तीसरी फिल्म बदला लेने पे होती है नाम भी कैसे होते हैं मैं इंतकाम लूंगा जीने नहीं दूंगा खून भरी मांग जलाकर राख कर दूंगा कसम पैदा करने वाले की अच्छा मिथुन दा को देख के लगता था कभी कभी कि ये फिल्मों में आए मां बहनों का बदला लेने इतने बदले लेते थे पहले तो पोस्टर का बड़ा ट्रेंड होता था ना पोस्टर देख के समझ में आ जाता था कि फिल्म में क्या होगा अगर पोस्टर में हीरो के साथ दो लड़कियां हैं तो समझ जाते थे कि एक जो है हीरोइन है और दूसरी हीरो की बहन है साथ में रंजीत साहब की फोटो लगी होती थी हाँ. तो लोग समझ जाते थे कि जो हीरो की बहन है इसके साथ रंजीत ने कुछ गलत किया होगा जिसका बदला हीरो लेगा और कई लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते थे कि रंजीत ने किया क्या होगा है ना फिल्म में बच्चा पैदा होता था तो माँ ये नहीं बोलती थी मेरा बेटा डॉक्टर की डिग्री लेगा आईएएस की डिग्री लेगा वो ये बोलती थी मेरा बेटा अपने बाप का बदला लेगा और कई बार बदला इतना इंपॉर्टेंट होता था कि कई बार बदला लेने के लिए हीरो को दूसरा जन्म लेना पड़ता था क्योंकि फर्स्ट हाफ में माँ बोल चुकी होती थी मेरे कर्म अर्जुन आएंगे उनको आना पड़ता था फिर और कई बार तो हीरो के पास इतने बदले इकट्ठे हो जाते हैं फिर उसको बोलना पड़ता है कि बाप का भाई का दादा का सबका बदला लेगा तेरा फैसला और आज मैं बदले की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गैंग वॉर पे जितनी भी फिल्में बनी है ज्यादातर बदले पे बनी आप सब लोग जानते हैं और एक बड़ी कमाल की फिल्म बनी है गैंग्स ऑफ वसेपुर इस फिल्म को आज 10 साल हो गए और आज इस फिल्म की यादें ताजा करने के लिए आज हमारे बीच फिल्म के सारे किरदार जो है मौजूद हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उनको मंच पे बुलाते हैं गैंग्स ऑफ वसेपुर अनुराग भाई ऐसी फिल्म है दोनों पार्ट में से कोई कहीं से भी लगा के देख लो आपको मजा आना शुरू हो जाता है सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको वैसे एक बात है देखो जौहरी जौहरी अच्छा हो ना तो सारे हीरे इकट्ठे करता है अच्छे अच्छे अनुराग भाई का ये खासियत है कि सारे गुणी लोग इकट्ठे किए मैंने जितने भी लोग इकट्ठे किए मेरे से ज्यादा ज्यादा बैंड बन पाया इनमें से भी सारे भाई रोज अवेलेबल नहीं रहते कोई जागरण पकड़ लेता है कोई भजन संध्या पे चला जाता है ये दिनेश है ना अपना गिटार वाला ये परसों नहीं आया मैं कहा तू कहाँ गया था कहता मैं मुंडन पे मैं कहा उस पे गिटार का क्या काम कहता नहीं वहां तो मैं कैंची लेके गया था एक तो ना आप सबको गैंग्स ऑफ वसेपुर के 10 साल पूरे होने पे बहुत बहुत बधाई अनुराग भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी फिल्म में जो किरदार थे कोई भी ऐसा किरदार नहीं था कोई बैंक में जिसकी जॉब हो या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में सारे चोर उचक्के बदमाश थे तो ये फिल्म लिखने के बाद आपको इन सब का आइडिया आया कि आपको विश्वास था कि मेरे ही दोस्त हैं और दोस्तों को देख के आपने फिल्म लिखी गई ऐसा तो नहीं है नहीं नहीं ये फिल्म तो लिखी गई वो जीशान की वजह से डेफिनेट की वजह से जी उसको खुद को लॉन्च करना था तो उसने एक स्क्रिप्ट लेके बढ़ा दी अच्छा कैरेक्टर के नाम तो लिखते लिखते शूट करते करता है जैसे सरदार खान का नाम कुछ और था इनका एक ही डिमांड था इसका नाम सरदार हो सकता है क्या अच्छा ऐसे क्यों मनोज भाई नहीं कैरेक्टर पढ़ते पढ़ते लगता है कि यार इसका नाम रखा था जिशान खान मैंने कहा ये कहाँ से जिशान खान लगता है इसका नाम कुछ ऐसा देसी टाइप का होना चाहिए सरदार खान बट ब्यूटीफुल इट वर्क्स सो वेल पर मनोज भाई आप देखो आप वैसे कितने प्यारे भोले भाले इंसान है ऐसा लगता है कि अगर इनकी कोई जमीन भी हथिया ले ना तो ये ज्यादा विरोध नहीं करेंगे
ये मतलब ऐसे इतने प्यारे लगते हैं, पर जब ये जीप पे बैठ के जाते हैं ना कि हजरात हजरात हजरात, उफ क्या बात है भाई, डरा के रख दिया था, वाह क्या बात है। थैंक यू। वो तो देखिए ये एक्टर ऐसे हैं कि कोई भी रोल जो है बड़े ही सहजता से कर लेते हैं। वो तो इनकी जिंदगी में अनुराग कश्यप आ गए, राम गोपाल वर्मा आ गए, अगर इनकी जिंदगी में पहले करण जौहर आ गए होते तो इनके हाथ में मंडलियन होता या यू नो गिटार होती। अब अनुराग भाई साहब आ गए, इन्होंने बड़ा वाला सुआ दे दिया, जाओ पहलवान के छेद कर दो, और ये लगे हैं छेद। और इतना नेचुरल तरीके से अनुराग भाई आपने शूट किया, हमने तो फिल्में देखी ना जब हम पैदा हुए 80s-90s में कि उड़ के मिथुनदा चले जाए और ये वो, और आपने जो आराम से इत्मीनान से कत्ल किया, साले कहाँ जा रहा है, मजा आ गया था भाई, क्या बात है यार। अच्छा मनोज भाई तो फिल्मों में OTT पे छाए हैं, पंकज भाई भी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म को खोल के देखो हर दूसरी वेब सीरीज में नजर आ जाते हैं, और कभी कभी तो पहली वाली में दो बार नजर आ जाते हैं। इनका मतलब ऐसा जलवा है। पंकज भाई आपको एक्टिंग की भूख ज्यादा है कि बंगलों का लोन ज्यादा हो गया? तो मेरे को अर्चना जी बता रही थी मठ में आपने एक और ले लिया बंगलो। हाँ मैं वही कहना चाह रहा था, अभी अभी उसने बोला कि वहाँ आके मटन पार्टी करनी है। मेरे से दो बंगले छोड़कर अब इन्होंने लिया। सारा हिसाब रखती हैं भाई। एक और बंगलो ले लिया, अब तो उसको चाय पे बुलाना ही पड़ेगा। तो बोल रही थी तो नहीं नहीं वो एक्टिंग की भूख ज्यादा है, ये सब घर गाड़ी तो बाई प्रोडक्ट है एक्चुअली। खत्म बात भाई। अच्छा हुमा का भी मानना पड़ेगा, अनुराग भाई के साथ इन्होंने डेब्यू किया और हमारे शो में आके फेमस हो गई। पहली फिल्म से यार, मतलब मैं वेट ही कर रही थी अभी बोलेगा। और जब भी ये आती ना मेरे शो में अनुराग भाई, मेरे को हमेशा चुप करा देती हैं, और अगर अपनी एक दो सहेलियों के साथ आए फिर तो ये बोलने नहीं देती अम्मा। मेरे को ये जानना जब आपके साथ पहली फिल्म कर रही तब भी इतना बोलती थी हुमा? तब इतना नहीं बोलती थी। मैं अभी भी कहां बोल रही हूं जब से आई हूं? नहीं तब नहीं बोलती थी। इसे बदनाम किया हुआ है मुझे। तब नहीं इतना बोलती थी, तब ये सिर्फ इतना ही पूछती थी मेरा कैरेक्टर क्या है। और हमने सुना भी है कि आपने हुमा आपको स्क्रिप्ट नहीं मिली थी? स्क्रिप्ट थी जो बाकी सबने पढ़ी थी, मुझे मना कर दिया गया था कि तुम मत पढ़ना, क्योंकि क्योंकि स्क्रिप्ट में मेरा रोल था ही नहीं। उसका नाम लिखा होता यहां पे, साउंड वेरी फैमिलियर टू मी आल्सो। तो हमारा सिर्फ फर्स्ट पार्ट लिखा होता, सेकंड पार्ट तो शूट करते करते बना। तो मेरे पास जब स्क्रिप्ट आई मैंने चोरी करके किसी एडी को पटा के पढ़ ली, तो उन्होंने मेरा सर को मत बताना, मैंने कहा नहीं बताऊंगी। तो उसमें लिखा था फैजल एंड मौसीना गो टू द मार्केट, व्हाई दे गो व्हाट दे डू, कुछ नहीं लिखा था। तो मैंने बोला सर इसमें मैं हूँ ना, कहते तू भरोसा रख, है। एंड देन आई थिंक हिज सिस्टर वाज अनुभूति हु वाज असिस्टिंग हिम हु इज नाउ आल्सो डायरेक्टर विद डॉक्टर जी। तो उसने बोला अब तो तुम्हें पिक्चर करनी पड़ेगी, अब तो कपड़े सिल गए। इतना प्रेशर डाला गया मेरे ऊपर कि अब तो पिक्चर करनी ही पड़ेगी। अच्छा जब फिल्म खत्म होती तो मेरे को तो लग रहा था कि अभी इसका तीसरा पार्ट ही बनेगा, क्योंकि लास्ट में फैजल खान मर जाता है, है ना, डेफिनेट बच जाता है, और इधर अपने पीयूष भाई और हुमा बच जाते हैं, मुंबई आ जाते हैं। तो मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगा तीसरा पार्ट भी आने वाला है। 11 साल का। अच्छा उसको 21 का होने तो फिर बदला लेगा वो। काफी है। अच्छा हुमा ने तो आपके साथ पूरी फिल्म की है ना, मैं कई एक ऐसे एक्ट्रेस को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक सीन भी किया हो ना उनके साथ आके बाहर आके, वो ना स्टाइल बड़ा मारता है, यू नो व्हेन आई वाज वर्किंग विद अनुराग ही टॉट मी वन थिंग, डोंट ग्रो विद दे। मैंने भी सीख लिया कि मैं बड़े बड़े डायरेक्टरों के नाम लो तो आपकी भी ना वो, तो मैं भी जब वापस आया ना बुसान से मैंने भी बोलना शुरू कर दिया, व्हेन आई वाज इन बुसान अनुराग वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी और ही प्रेज्ड माय मूवी ज़िविगेटो। अरे वो सच्ची वो कमाल की फिल्म है वो। ये भाई फ्रंट कैमरा में देख के अगर आप बोलते कमाल की फिल्म, आप बिलीव नहीं कर सकते कपिल शर्मा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अनुराग भाई ने सच में देखी है। मैं सोचा कपिल शर्मा पिक्चर में तो कॉमेडी होगी, कहीं हंसी नहीं आई। तो आपको नंदिता पे भरोसा नहीं था? कहीं हंसी नहीं आई, वो पिक्चर रुला देती है आपको। थैंक यू अनुराग भाई, आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट आना बहुत बड़ी बात है, लव यू भाई। आइए आप विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा अनुराग भाई, मनोज सर और पीयूष भाई की तीनों की जोड़ी बहुत पुरानी है, इतना लंबा साथ तभी रहता है जब आपके विचार मिलते हो या ब्रांड मिलता हो। भाई कब से है पीयूष भाई, कितने साल से आप सब एक दूसरे को जानते हैं? मैं जानता हूँ कब से मनोज को? हाँ। मनोज से तो मेरी बहुत पुरानी आ रही है मेरे, मैं हम लोग थिएटर किया करते दिल्ली में एक्ट वन में, 86 से हम जानते थे। हाँ। 89 से हमने काम करना शुरू किया। 89 में तब ये वाले माइक नहीं थे? तो आपको इसकी आदत हो गई, ये वाला भी चल रहा है आपका।
ये था तो तब से मैं जानता हूँ अनुराग जो है उस वक्त हंसराज कॉलेज पढ़ता था तो ये हमारे प्लेस देखने आया करता था। मैं इनके नाटक देखने जाता था। हाँ, अच्छा जी। He was an audience. वो तब से इससे वैसा वाला परिचय है कि ये अनुराग देख रहा हम परफॉर्मेंस कर रहे तो उसने बड़े खुले भाव से रिसीव किया कि आ जाओ पीयूष भाई। तो मैंने इसके पहले आपके फोन आए थे फिल्म देख के। हाँ मैंने इसकी शूल देखी। शूल देखने के बाद फोन किया था इन्होंने। हाँ शूल देखी और मैं खड़ा हो गया था। पीयूष हम लोग के लिए पीयूष भाई बहुत बड़े बिल्कुल थिएटर में लेजेंड रहे हैं ना तो उनका फोन आ गया फिल्म देख के कि वो खुद लिखते थे वाकई तो उनका कॉम्प्लीमेंट बहुत बड़ी बात हो जाती क्या बात तो मैंने यही कहा कि मैंने किसने लिखी है मेरे को बड़ा अचरज हुआ था कि यार ये बंदा जो कौन बंदा अनुराग कश्यप तो मुझे भी नहीं मालूम था यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि ये बड़ी गहरी चीज है कितना अच्छा बोलते पीयूष भाई मेरे को अभी भी लगता है मैं गैंगो वासेपुर देख रहा हूँ टाइम इतना मजेदार है ना अच्छा हमने ऊट पटांग वर्ड बड़ा सुना है ऊट पटांग होता है कोई चीज पीयूष भाई का कहना है कि मेरा और अनुराग का रिश्ता जूत पटांग वाला है पीयूष भाई इसका क्या तात्पर्य है कभी क्या करना हर 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 फिल्म में मैं जो है प्रण ले लेता हूँ कि सत काम नहीं करूँ क्यों और अगली फिल्म में करना पड़ता है अच्छा मतलब अनुराग कश्यप में कोई चीज है कि मतलब एक नेशन के लिए एक अनुराग कश्यप बहुत जरूरी है दो अनुराग कश्यप भारी पड़ जाएंगे टू विल बी मोर देन वन एक तो जो है अच्छा है मतलब इसकी फिल्म में क्या है कि अनुराग कश्यप की फिल्म हो और कोई जेल ना जाए यूनिट का बंदा तो मुझे विड्रॉल सिम्टम लगता है साले कि ये कैसा हो गया 15 दिन बीत गए अभी तक कोई जेल नहीं गया मतलब या ये खुद जेल जाएगा या ऐसा कैमरामैन जेल जाएगा या यूनिट वाला को जेल जाएगा मतलब हमेशा जेल जाने की जरूरत रहती है तो मुझे बड़े अजीब सा मेकिंग है यार इसकी मैं क्या बताऊँ ऐसे ही पूछो ये तो तू सुना दे नहीं नहीं हमारे वासेपुर के टाइम विकी कौशल एक बार गया था जेल क्यों हम लोग कैमरा लेके घुस जाते हैं कहीं भी शूट करने के लिए अच्छा परमिशन ली हम लोग वो जो फिल्म में सैंड माइनिंग के शॉट्स थे जी वो इलीगल सैंड माइनिंग के अच्छा क्रिएट नहीं गए थे एक्चुअली में इलीगल सैंड माइनिंग हो रही थी बाप रे माफिया वाले कर रहे थे हम लोग कैमरा लेके घुस गए अरे वहां तो हो गया विकी ये यहां पर जो है गोरेगांव ईस्ट में जब पूरी फिल्म खत्म हो चुकी है मैं घर 3.5 महीने का शेड्यूल है बनारस में हुआ है हम थक के लौटे हैं हम बैठे हुए हैं अपने घर में मैं भी यहीं रहता हूँ साईं बाबा कॉम्प्लेक्स में पास अच्छा जी तो मेरे पास फोन आता है कि पीछे ही आ जाओ कहाँ कहने फिल्म सिटी तो मैंने क्या करने कहने शूट करने तो मैंने कहा तूने अभी तो एक फिल्म शूट करी है दूसरी फिल्म का शूट करेगा कहने नहीं आ जाओ आप गैंग्स ऑफ वासेपुर का शूट है तो मैंने कहा मैंने तो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है इसमें कहीं मेरा और सीन नहीं है आ जाओ कुर्ता पहन के आना तो भैया कुर्ता पहन के चला गया मैं आया स्टूडियो पता नहीं कौन सा था उन्होंने कहा कि आप कुर्ता उतार दो तो मैंने क्यों था तूने कहा था कुर्ता पहन के आना कुर्ता उतार दो तो मैंने कुर्ता उतार दिया तो आपने मेरे हाथ में घंटर दे दिया अब ये लो और इसको अपने आप जोरों से मारो मैंने क्यों मारो ना सीन है तो मैंने कहा क्या सीन है कोई मोटिवेशन हो तो मारू नहीं मैं बाद में इस्तेमाल करूँ 3-4 तरीके से शॉट ले लिए घोड़े को पड़वाने के पीठ पे और फिर इसने साले ने वो जो नमाज की सुहागरात होती है ना उस पर नमाज और वहां पर इस्तेमाल कर तो आप इसलिए पीट रहे थे कि यार मेरा गिल्ट में हाँ, इसने कहा गिल्ट मतलब मुझे नहीं मालूम गिल्ट में था कि नहीं बात मालूम पड़ा गिल्ट पता नहीं क्या है गिल्ट थी तो भी तो पता नहीं है मुझे किस बात अरे मुझे कुछ नहीं मालूम था मुझे मुझे ये स्क्रिप्ट भी जो है बोल रहा था कि जो मनोज को दी होगी मेरे को तो नहीं दिया शुरू में बोलने का ये पन्ना है कि आपके बदला लेता है सरदार खान होता है ऐसे होता है वासेपुर में स्टोरी है वासेपुर एक इलाका है बिहार का और ऐसे से होता है वहां पर मैंने कहा मेरा रोल क्या है कहने लगा रोल बाद में मालूम पड़ जाएगा कब मालूम पड़ेगा वहां पर मालूम पड़ा वहां पर सीन लिख के दे दिया करता था कि ये सीन है आपको ये शूट करना है हमने कहते भाई ठीक है बढ़िया बात कर लेंगे कर लिया बन गई बात अच्छा आप सब पंकज भाई को गौर से देखिए आज ये किसी किरदार में नहीं है हाँ। इतना सुंदर कुर्ता है और पंकज भाई एज पंकज भाई बैठे हुए हैं हाँ। इतने प्यारे इंसान इतना चमकदार चेहरा इनको देख के लगता है केक काटने से पहले भी 2 बार सोचते होंगे और फिल्म में देखो आप ये कसाई बने हुए हैं है ना एक तो इनका स्टाइल इतना नेचुरल है प्यार से बम मार दो बम मार दो तो ऐसे बोलते जैसे हम अपने घरों में नहीं बोलते चाय बना दो भाई सुल्तान का किरदार जब आपको दिया गया उससे पहले आपने कोई ऐसा मारकाट वाला किरदार तो नहीं किया था नहीं कुछ नहीं किया था अनुराग भाई कैसे आपको दिखा इस चेहरे में इतनी क्रूरता कैसे दिखी आपको वो तो इनका टेस्ट देखा था इनका तो मुकेश ने टेस्ट लिया था अच्छा हमारी फिल्म में जो बाकी सारे काफी सारे एक्टर्स मनोज जी के साथ चिटागोंग करके आ रहे थे वहां से आए थे बहुत सारे इनका मैंने सिर्फ एक चीज देखी थी कोई पाउडर देखा था अतुल का और वो फिर इनका टेस्ट लिया था और करेक्ट था लेकिन हमारे पास इनको देने के लिए स्क्रिप्ट नहीं थी
अच्छा और ये समय काफी सारे शोज कर रहे थे तो इनको टीवी शो के बीच में से एक एक दो दो दिन के लिए आना पड़ता था। अच्छा। अरे बहुत मुश्किल था, मुझे याद है ना डेली सोप एक चल रहा था तो ये आपके चैनल नहीं दूसरे चैनल का था। अच्छा सीख गए आप भी धीरे धीरे ना। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।